हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ऑफिशियल पर। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास टेंथ के केमिस्ट्री के तीसरे लेसन धातु और अधातु के ऊपर, जिससे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इसी लेसन से पूछा जाता है। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स हम लोगों का कि धातु किसे कहते हैं। मेटल, धातु का इंग्लिश होता है फ्रेंड्स मेटल्स किसे कहते हैं। तो आंसर करते हैं हम लोग के वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर कोई भी धातु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो धन आयन का निर्माण करे। धन आयन अर्थात उनसे धन पॉजिटिव आयन का निर्माण हो और ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता हो, और ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है वो हम लोगों का क्या कहलाता है फ्रेंड्स, धातु कहलाता है। धातु एक बार फिर से कर लेते हैं कि धातु किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धन आयन का निर्माण करता है और ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक हो अर्थात जिसमें करंट पास कर सके वो हम लोगों का क्या कहलाता है फ्रेंड्स, धातु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु के भौतिक गुणधर्मों को लिखें। पहले हम लोग धातु पढ़ रहे हैं तो धातु के बारे में लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे अधातु पे। अब देखिए, धातु आपसे कभी कभी 2 मार्क्स में और कभी कभी 5 मार्क्स में पूछते हैं। जब आपसे केवल पूछे कि धातु किसे कहते हैं तो हम लोगों को यहाँ तक आंसर करके छोड़ देना है, और कभी कभी आपका क्वेश्चन आता है कि धातु के बारे में लिखकर उसके गुणधर्मों के बारे में लिखे, तो हम लोग भौतिक गुणधर्म लिखते हैं अर्थात उसका नेचुरल जो क्या है, और उसके बाद लिखते हैं रासायनिक गुणधर्म। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, देखिए क्या है। तो धातु के भौतिक गुणधर्मों को लिखे तो हम लोग लिखेंगे कि धातु के भौतिक गुणधर्म निम्नलिखित है। नंबर एक, धात्विक चमक अर्थात धातुओं की चमक को एरो देख लिखिएगा। धातु अवस्था में धातुओं की सतहों में चमक होती है, धातुओं की सतहों में अपनी चमक होती है जिसे हम लोग धात्विक चमक कहा जाता है। कोई भी धातु अगर शुद्ध अवस्था में आ जाए तो उसके सतहों पर अपनी चमक होती है जिसे हम लोग धात्विक चमक कहते हैं। दूसरा है फ्रेंड्स हम लोगों का कि आघात वर्ध्यता और तन्यता, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा आघात वर्धनीयता या तन्यता। अब आघात वर्ध्यता का मतलब होता है कि जिसे पीट पीट कर बड़ा किया जा सके, तन्यता का मतलब आप लोग समझते तन्य लंबा किया जा सके पीटा जा सके वही होता है हम लोगों का। इसका आंसर करते हैं हम लोग तो आघात वर्ध्यता एवं तन्यता धातु के प्रमुख गुण होते हैं। आघात वर्ध्यता एवं तन्यता धातु के प्रमुख गुण होते हैं। धातुओं से हथौड़ों को पीट पीट कर पतली चादर बनाई जाती है, इस गुण को हम लोग आघात वर्ध्यता कहते हैं। जब धातुओं को पीट कर आप लोग देखते होंगे लोहार उहार के दुकान पर कि एक मोटा सा रड को पीट 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 के वो हम लोगों का आकार उसका बदलता है, चाहे हसुआ हो या खुरपी हो, बहुत सारा चीज़ हम लोगों का बनाता है, तो वही हम लोगों का आघात वर्धन्यता कराता है। और उसमें पतली तार बनाई जाती है, पतला चादर पतली तार बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तन्यता का गुण कहते हैं। नेक्स्ट इसका होगा गुण जो वो होगा ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक या चालकता। तो हम लोग लिखते हैं कि धातु सामान्यतः ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं अर्थात उसमें करंट आसानी से पार कर जाती है। चांदी एजी, जिसे हम लोग शॉर्ट में एजी से सूचित करते हैं, ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है। आपसे पूछेगा अभी कि निम्नलिखित में किससे करंट या विद्युत धारा सबसे तेज प्रवाहित हो सकती है, सबसे स्पीड में प्रवाहित हो सकती है, तो आप लोग याद रखिएगा वो ऊष्मा का हम लोगों का सुचालक जो होता है, जिस कारण से उसमें सबसे अच्छा ऊष्मा के सुचालन होने के कारण उसमें सबसे ज़्यादा करंट पास करता है। तथा पारा मरकरी एजी ऊष्मा का सबसे कम चालक है, सबसे कम करंट प्रवाहित जो होता है वो होता है हम लोगों का मरकरी या पारा में, और सबसे ज़्यादा जो प्रवाहित होता है वो हम लोगों का होता है चांदी एजी में। और शीशा का भी अच्छा चालक होता है, शीशा भी अल्प उचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, इसका नेक्स्ट जो फ्रेंड्स होगा वो हम लोगों का 4 नंबर होगा, और वो 4 नंबर है कि जब किसी धात्विक ध्वनि अर्थात जब हम किसी धातु को पीटते हैं फ्रेंड्स तो उससे एक आवाज़ निकलती है, वही हम लोगों की धात्विक ध्वनि कहलाती है। हम लोग लिखते हैं अधिकांश धातुओं को जब किसी वस्तु से चोट मारी जाती है या पीटी जाती है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। अधिकांश धातुओं को जब किसी वस्तु से चोट मारी जाती है तो वह ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और कुछ देर तक गूंजते रहते हैं, वही ध्वनि हम लोगों का धात्विक ध्वनि कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे का क्वेश्चन है हम लोगों का के धातु के रासायनिक गुणों को लिखें। धातु के रासायनिक गुण, ये तो भौतिक गुण थे जो उसमें पाए जाएंगे, अब रासायनिक गुण देखते हैं क्या है। तो निम्नलिखित रासायनिक गुण हो सकते हैं। नंबर एक है कि वायु के साथ अभिक्रिया,
वायु के साथ अभिक्रिया। आंसर करेंगे प्रायः सभी धातु ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्साइड का निर्माण करता है। लिखेंगे प्रायः सभी धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग कर ऑक्साइड का निर्माण करता है जिस कारण से उसमें जंग लगते हैं। जैसे हम आप देखिए सकते हैं 2Mg मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करया तो 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। यहाँ मैग्नीशियम अलग था, यहाँ ऑक्सीजन अलग था, लेकिन जब अभिक्रिया किया तो हम लोगों का मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ O का निर्माण किया तो ऑक्साइड का निर्माण किया और यही सभी कारणों से उसमें जंग भी लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी नेक्स्ट इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर नंबर 2 और वो होगा धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया तो इसका आंसर होगा कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। और जैसे देखिए तो यहाँ लिखिएगा Mg जो सॉलिड अवस्था में और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब यह अभिक्रिया करेगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और H2 यानी हाइड्रोजन गैस अलग करेगा। नंबर 3 होगा इसका, सॉरी आज का अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि अधातु किसे कहते हैं। अब तो ये तो पूरा इन्फॉर्मेशन था धातु के बारे में और मैंने पहले कहा था कि धातु कभी कभी 2 मार्क्स और कभी कभी 4 मार्क्स में भी पूछ देते हैं। फ्रेंड्स 2 मार्क्स का तब वो क्वेश्चन होता है जब आपसे पूछे केवल धातु क्या होता है और जब आपसे 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है तो कहता है कि धातु क्या है उसके रासायनिक गुणधर्मों तथा भौतिक गुणधर्मों को लिखे। तो आज का अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि अधातु किसे कहते हैं। तो आंसर करेंगे कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर ऋणायन का निर्माण करते हैं। वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर ऋणायन का निर्माण करते हैं वो हम लोगों का अधातु कहलाता है। तो फ्रेंड्स यही आज का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। हम लोग अधातु के भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म तथा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन धातु और अधातु में अंतर कल करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन के तौर पे आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप लोग उसको समय समय पर देख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।